सब के पहला खूब भले रहा जी रहा जाग रहा। मैं इंदर सिंह बरगली गलनी घुमाने टीवी बटी। आज तुम हो न्या का है नहीं जो है योग लहरस हो और योग शुक्र हो। तो आज प्राणायाम के बारे में बताऊँ तुम लोगों में। प्राणायाम कोई आसन कसन जिसमें आसन करण है जिसमें मैंने तुम लोगों को पहले बताया क्योंकि सब वह पहले जो है आप ओम जाप करा आसन है पहनी और आसन बाद में ठीक चले। तो जब लोग योग करता है योग शुरू में शुरुआत में तुम लोग ओम जाप करन छो और योग करने के बाद में तुम यज्ञ करन छो और यज्ञ घंटे पहले योग करने पहले क्या ही ना खान छो और योग करने के बाद यज्ञ घंटे बाद क्या ही ना खान छो। तो हम ये ओम बग जाप कुछ करूँ सब पहले हम जो है पद्मासन एक में आ जाओ पद्मासन एक में जिसमें धैर्य। अगर आप पद्मासन में ना सकना तो आप खाल चौपड़ी मार के लेकर सकता। फिर भी बात ज्ञान मुद्रा में और ज्ञान मुद्रा में आ गए हम फिर ओमक जाप करो इसी और पहले सांस भरा इधर कहन फिर भी बात अपन फेफड़ों में किदा और पेट में किदा फिर भी बात बाहर के ओम ओम कबीर बाहर कहने के बाद और फिर दशनी 3 से 5 बार करा और भी बात फिर अपन पितरों के प्रणाम करा अपन ठोला के प्रणाम करा अपन गुरुजनों के प्रणाम करा और भी बात फिर बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी बात फिर अब हम आज हम शुरू करूँ। और पहले हमारे प्राणायाम करना रहा तो प्राणायाम में हम प्राणायाम 12 प्रकार का प्राणायाम होनी और उनमें मैं तुमको 2 प्रकार का प्राणायाम बताऊँ और यज्ञ जो है तितली आसन बताऊँ। तो यह हमारे पहली प्राणायाम छ तो यह थे कि नहीं कपाल भाती तो यह में हम उल्टीकरण छूल्टीकरण यह में हम सबसे पहले पद्मासन में आ जाऊँ पद्मासन में आए ज्ञान मुद्रा में और ज्ञान मुद्रा में आए हम फिर में हमूल में ध्यान रखन छो कि सांस हम जब भीतर के लेना रहे जब थोड़ा सा भीतर के ले और उसमें भीतर के लिए आवाज़ ना होनी चाहिए मतलब ये तो धीरे धीरे मूल भीतर का लेन से और बात फिर एकदम बाहर निकालना चाहिए। तो इसनी इसनी करते करते जब कम से कम जब 20 बार यो यही स्पीड में कर ला तो यही स्पीड में कर भी 20 बार कर भी फिर एक बार जोर पूरी पूरी जो है भीतर खाओ बाहर निकाल दें फिर भी बाद अगले 20 बार फिर शुरू करा इसनी और फिर भी बाद जब 20वां जनी वो बात फिर एक सांस ले गहरी और बात फिर उनके बाहर का निकाल दिया तो भीतर जो चुटुक ले विकार से उन सब बाहर का निकाल दिया। और ये में तुम्हें बहुत फायदा हो अगर तुमको तुम दुखी था तुमको स्ट्रेस तुमको जो है कोई और बीमारी छे तो उनमें बहुत फायदा करल और आप लोग जो है कोई रोज कराए के। और अगर प्राणायाम आप जो है जब ले आसन कर सा योग कर सा योग में जरूर आसन कर सा मैं सब है लास्ट में एक करा तो ये तुमको बहुत बेनिफिट दल ठीक है ना। और एक रोज करा जो तुम नर्द नहीं कर सकता ये बात फिर करबेर फिर मैं वही थोड़ा सा रेस्ट और रेस्ट करबेर हम आप करना रहे हो तितली आसन। तितली आसन में यह इसी जो है पोजिशन बनाऊन छो दिए खुटा का एक बार एक बच्चे करबे जितुकले वी के अपन तरफ के ला सकता वी के लवा और इसी जो है फिर जिसमें तितली उड़ोनी और अगर कमर तुम्हें बिल्कुल सिद्ध रन जाए जितु सिद्ध कर सकता और इसी फिर तितली के भाई उड़ के पंख के भाई अपन खुटा के उड़ावा ऐसे ठीक है ना। और खुटा के जो तू तलका निकल लगा सकता तो तलका लगावा और जो तू उनके मल के चिपका सकता तो चिपकाने की कोशिश करा। तो ये सब आप लोगों पर डिपेंड करें तो ये मिले जो तुक बार करछा आप करा 5 मिनट 10 मिनट जो तुक ले आप लोग कर सकता लेकिन जरूर करा और ये जो है फायदा उठाते रहा। और प्राणायामक में तो मुझे मतलब बताऊँ प्राणायामक मतलब से प्राण वायु जो है अपन कंट्रोल करना अपन के अंदर बोले हम वायु कंट्रोल से जिसने कि तुमको मैंने पहले बता योग में जो है हम लोग सांसों का अपन कंट्रोल करना छो ठीक से ना। तो उसने लिए एम एल हम लोग कंट्रोल करना छो कि हम कुछ कंट्रोल कर सकना और कि हम ये फायदा उठा सकना। तो ये हम सब अपन दुख ले जितना गंदी हाव से वो सब बाहर करने का है और उनमें जो है हम लोग फायदा हो। तो ये हम लोग ध्यान रखन छो कि जो है जो लोग कोई अस्थमा वाव छे बहुत ज़्यादा इनको अस्थमा हो रहा जो दिल की बीमारी वाव छे तो उन लोगों के यो न करण छे कि में या कोई कई शहर में भाव वगैरह होने छ या कोई शहर भैर छ तो तस में केस में यो इन योग जो है न करण छे ठीक छे ना। तो ध्यान रखें और फिर अब हम अगल का एक ख़त्म कर भी थोड़ा रेस्ट कर बेर हम फिर अगल करूल हम दूसर प्राणायाम। दूसर प्राणायाम हम करूल यो प्राणायाम थे कनी अनुलोम विलोम ठीक है ना। अनुलोम विलोम में क्यों मतलब अनुलोम और विलोम मतलब एक सिद्ध या उल्टा मतलब एक बार तुम यक ना दबोन छ और दूसरे ना एक बार हावली बेर
दूसरे नाक बटी हाव लें छो और फिर जो नाक दबा है ठीक छे ना, जो नाक दबा है वही नाक बटी वो हाव छोड़ दें छो। तो ये में जो रखन छे मतलब तमो अपन घोत्य जो घोत्य छे और हाथ तक तीसरे अंगों वो जो है ये में काम में लें छे और बैंक जो दुई तीन जो आंगू बैंक बच गई उनके मुट्ठी जैसे बांधते हैं। तो इन दुई घोटे और तीसरे आंगू जो है वो केवल फंक्शन में और बिल्कुल सामने जैसे नहीं आप देखना था जैसे नाखन से। तो ये जो है एक बार एक नाक जो है बंद करा और दूसरा नाक बड़ी सांस लिया और फिर जय नाक बड़ी सांस लिया गया विके बंद करा दूसरा आंगवाल फिर विके जो घुटेल जो नाक दबा है बेटी के निकाल दिया। तो ये में जो है ध्यान रखना चाहिए अलग अलग हम टाइप पहले क्यों कर सकना। तो सुबह पहले ये में चतुक टाइम में तुम सांस लेनार सा जे नाक बटी दूसरा नाक बटी के छोड़ ला ठीक है पहली नाक में बंद कर दिए। तो उतु के टाइम में वो तुम उन छोड़न छो जतुक टाइम में तुम भीतर लेनार सा उतु के टाइम में वो तुम बाहर निकाल छो। तो वो टाइम जरूर ध्यान रखें। तो यस तुम करीब 10-15 बार जो दुख पहले कर सकते हैं कि करा विवाद फिर दूसर करण छो कि जतुक टाइम में तुम सांस भीतर लेना था वी डबल टाइम में भी सांस के बाहर निकाला ये गले तुम 10-15 बार रिपीट करा ठीक ना यही चीज। और विवाद फिर तिशोर जो करण छे तिशोर जो क्रिया छे यही में पूछो जितु का टाइम में तुम सांस लेना था भीतर कहन फिर के उतु का टाइम भीतर सांस कर वका और उतु का टाइम में फिर के सांस के बाहर निकला दूसरा नाक बटी एक नाक बटी सांस लिया फिर के वका फिर वी नाक के बंद कर बेर जो दूसरा नाक बंद कर है विके खोला और वी बटी के उतु के टाइम में बाहर कहन निकला। तो यो छो अनुलोम विलोम यक नाक बंद कर वे दूसरा नाक बटी हाव बाहर का निकाल से पहले यक नाक बटी हाव लें से फिर के बंद करन से दूसरा नाक बटी हाव बाहर निकाल से दूसरा नाक के बंद करन से फिर पहली वाव बटी बाहर निकाल से। तो यह चीज तुम ध्यान रखा अनुलोम विलोम मतलब विपरीत पहले यक नाक बंद करा हाव लिया यक नाक के बंद करा फिर दूसरा नाक बटी छोड़ा फिर दूसरा नाक बटी हाव लिया फिर के बंद करा पहली बार नाक बटी छोड़ा। तो बीच बीच में कशिंग करम से वो मैंने तुम्हें बताई दे फिर इशिन। तो ये के तुम जुदू बार रिपीट कर सर छावे के बार रिपीट करते रहा और फिर जब ये खत्म है जास खत्म है बेर फिर पद्मासन में तुम छाई पहली बटी और ज्ञान मुद्रा में रह बेर इशिन जो से ओम जाप करा हाव जो है जुदू पेट में अपन फेफड़ा में दर्शक चाहे भरा और फिर के मूंग बटी ओम और जाप करते हुए भार कहन निकावा अपन पेट बटी अपन फेफड़ा बटी और ओम एक आवाज निकालते हुए ओम एक आवाज जो है आ ओम ऐसे निकाल चाहे ठीक है ना आ ओम ये मतलब मोनक तो मैं बोली आ फिर ओ फिर मोनक आवाज लगाम चला लास्ट में जितु देर जने के कर सकता है करा 3-6-5 बार या 10 बार जितु बार लग कर सकता बिल्कुल करा जितु तुम्हारे कैपेसिटी से। और भी बात फिर सब अपन गुरुजनों के पलाक करा अपन बुजुर्गों के पलाक करा और अपन जो है इष्ट देवता के पलाक करा और बात फिर